हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज है 31 जनवरी। एंड आज हम बात करेंगे जनवरी मंथ के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में कि पूरे जनवरी मंथ के अंदर रियलमी ने किस किस डिवाइस में ऑफिशियली सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करवाए हैं एंड किस किस सिस्टम एप्लीकेशन का अपडेट आपको पूरे जनवरी मंथ के अंदर देखने को मिला। इनमें कुछ अपडेट्स आपको एंड्रॉइड 13 के देखने को मिलेंगे, रियलमी UI 3.0 के देखने को मिले हैं एंड कुछ अपडेट्स आपको रियलमी UI 4.0 के भी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। पूरी लिस्ट जो है जनवरी मंथ के सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना। एंड पहली बार चैनल के ऊपर आए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों बात की जाए अपडेट्स के बारे में, तो अपडेट्स की जितनी भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको रियलमी की सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर अपडेट जो वेबसाइट है इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर रियलमी के स्मार्टफोन, रियलमी के लैपटॉप, रियलमी के टीवी के जितने भी नए लेटेस्ट अपडेट्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। अब बता करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम सीधा बात करेंगे ऑफिशियल सोर्स के बारे में जहां पर आपको अपडेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये रहे रियलमी कम्युनिटी के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव VK प्रभात एंड आयुषी मैम, एंड यही आपको अपडेट्स के बारे में जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए स्टेबल अपडेट्स के बारे में, तो Realme C30, Realme Narzo 30A, Realme 10 Pro Plus 5G, Realme Narzo 50 Pro 5G, Realme Narzo 30, Realme Narzo 20 Pro एंड Realme 7, इन डिवाइसेस में आपको ऑफिशियली जनवरी 2023 के जो स्टेबल अपडेट्स हैं वो Realme ने रिलीज कर दिए हैं एंड इन सब के जो मैनुअल लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। साथ में Realme C21, Realme Narzo 50i, Realme C11, Realme GT Neo 3, Realme GT Neo 3 150W एंड Realme C25, इन डिवाइसेस में भी आपको ऑफिशियली जनवरी 2023 के जो स्टेबल अपडेट्स हैं वो देखने को मिल गया एंड इन सब के मैनुअल लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में Realme Narzo 55G, Realme C33, Realme C25i, इन डिवाइसेस में भी आपको ऑफिशियली जनवरी 2023 के जो स्टेबल अपडेट्स हैं वो Realme ने रिलीज कर दिए हैं। साथ में Realme 8 5G एंड Realme Narzo 30 5G, इन दोनों डिवाइसेस में भी आपको जनवरी 2023 का जो स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिल गया एंड इन सब के मैनुअल लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। इसके साथ अगर आप लोग Realme 9i डिवाइस यूज करते हो तो उसमें भी आपको जनवरी 2023 का जो स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिल गया। Realme Pad, Realme Pad X, इन दोनों में भी जनवरी 2023 के जो स्टेबल अपडेट्स है वो देखने को मिल गया। Realme 9 Pro Plus 5G, Realme GT 2 Pro, Realme GT Neo 2 एंड Realme 8 4G, इन डिवाइसेस में भी आपको ऑफिशियली जनवरी 2023 की जो स्टेबल अपडेट्स हैं वो Realme ने रिलीज कर दिए हैं। इसी के साथ Realme C21 बाई, Realme Pad Mini, Realme Narzo 50A, Realme C25S एंड Realme 10 Pro Plus 5G में आपको सेकंड अपडेट जो है जनवरी 2023 का वो ऑफिशियली देखने को मिल गया। मैंने इसका पूरा फुल रिव्यू भी चैनल के ऊपर अपलोड किया, उस वीडियो की आप लोग चेक कर सकते हो एंड इन डिवाइस में भी Realme ने ऑफिशियली जनवरी 2023 के जो स्टेबल अपडेट्स हैं वो रिलीज कर दिए हैं। अपने Realme के बजट सीरीज के स्मार्टफोन Realme C30S में भी आपको जनवरी 2023 का जो स्टेबल अपडेट है वो ऑफिशियली Realme ने रिलीज किया है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई स्टेबल अपडेट्स के बारे में कि पूरे जनवरी मंथ के अंदर इन फोन्स में आपको स्टेबल अपडेट्स देखने को मिले हैं एंड बात की जाए बीटा अपडेट्स की, तो Realme 9 4G में आपको Realme UI 4.0 एंड Android 13 के स्टेबल अपडेट्स देखने को मिला। साथ में Realme GT Master Edition में भी Realme ने Realme UI 4.0 एंड Android 13 के जो अर्ली एक्सेस के बीटा फॉर्म थे वो रिलीज किए हैं। और भी बहुत सारे डिवाइस हैं जिनके अंदर आपको बीटा अपडेट्स मिले हैं लेकिन उनके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी के साथ जनवरी मंथ में Realme Narzo 50 Pro 5G में आपको Realme UI 4.0 एंड Android 13 का जो स्टेबल अपडेट है वो भी ऑफिशियली Realme ने रिलीज कर दिया है। साथ में Realme GT Neo 3T में भी आपको Android 13 एंड Realme UI 4.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो जनवरी मंथ के अंदर देखने को मिला है। इसी के साथ Realme 9i 5G एंड Realme 9 Pro 5G, इन दोनों डिवाइस में भी आपको Android 13 के जो स्टेबल अपडेट एंड Realme UI 4.0 के जो स्टेबल अपडेट्स हैं वो जनवरी मंथ के अंदर देखने को मिल गए हैं। तो ये तो बात हो गई अपडेट्स के बारे में, अब बात की जाए सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट्स को लेकर के पूरे जनवरी मंथ के अंदर किस किस सिस्टम एप्लीकेशन का जो अपडेट है
वो देखने को मिला है। तो सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में रियलमी सिस्टम एप्स अपडेट टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लें। यहीं पे आपको सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो जनवरी मंथ के अंदर आपको ऑफिशियली ओप्पो रियलमी वन प्लस का डायलर देखने को मिल गया, क्लॉक एप्लीकेशन का नया अपडेट आया, मैसेज एप्लीकेशन देखने को मिली, कॉल यूआई, ओमोजी, वेदर, फाइल मैनेजर, वॉलपेपर, नोट्स, गेम्स, गेम असिस्टेंट, वेदर, एओडी, क्विक ग्लांस, ओमोजी, गूगल डायलर, क्लॉक एप्लीकेशन, स्मार्ट असिस्टेंट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, गैलरी, स्क्रीनशॉट, बैटरी, ओटीए अपडेट, फोन मैनेजर, वेदर, काफी सारी रियलमी ओप्पो वन प्लस डिवाइसेज की सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट्स देखने को मिले हैं। एंड सिस्टम एप्लीकेशन के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लेना एंड सबसे पहले अपनी सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट करके जो नए फीचर्स हैं उनको आप लोग यूज कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।